क्रिस्पी ड्रैगन चिकन रेडी। आज एक बहुत ही बेहतरीन इंडो चाइनीज़ डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रैगन चिकन। तो सबसे पहले मैंने चिकन को स्ट्रिप के हिसाब से काट लिया है, विद बोन एंड बोनलेस दोनों एक साथ है। तो पहले ये चिकन है, चिकन के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर देंगे, अभी सॉल्ट नहीं डालेंगे, ब्लैक पेपर से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको तेल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। चिकन को फ्राई करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ड्रैगन चिकन बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है ऑनियन, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, बेल पेपर, कैप्सिकम, चिली, लेमन एंड चिकन, फ्राइड चिकन। उसके बाद सोया सॉस है, विनीगर है, टोमेटो केचप, काली मिर्च, सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, ये सब डालना पड़ेगा। अब मैरिनेशन प्रोसेस कैसे, इसको और एक बार फ्राई करना पड़ेगा। अब डालेंगे इसमें सॉल्ट टेस्ट वाइज। कश्मीरी लाल पाउडर थोड़ा सा, अब ये कॉर्नफ्लावर, मैदा और अरारोट को मिक्स करके मैंने 2 चम्मच डाला इसमें। अब थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे ऊपर से। ये थोड़ा सा चिकन मसाला जो होता है ना बाज़ार में रेडीमेड, तो वो थोड़ा सा ऊपर से डाल दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ेगा ताकि जो चिकन मैंने फ्राई किया है उसके ऊपर अच्छी तरीके से ये लग जाए। ये कोट लगने के बाद फिर इसको एक बार फ्राई करेंगे।
बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, एकदम क्रिस्पी। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे रेड चिली, लगभग 2 से 3। ड्रैगन चिकन बना रहे हैं, मुँह से आग तो कम से कम निकलना चाहिए खाने के बाद। तो नहीं, मज़ा कर रहे हैं। अब जितना मर्ज़ी आप उतना डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लैक पेपर डाल देना। इसके बाद डालेंगे चॉप्ड जिंजर, और चॉप गार्लिक, और थोड़ा सा चॉप अनियन इसके अंदर डालेंगे। अब अब इसमें डालेंगे हर एक टाइप का बेल पेपर जो कि हम लोगों के शहर में अवेलेबल होता है उस हिसाब से। टेस्ट वाइज सॉल्ट, अब इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस लगभग 2 छोटी चम्मच, या फिर जो सोया सॉस का कैप होता है उस कैप में 2 कैप आप डाल सकते हो। इसके बाद डालेंगे वही सेम क्वांटिटी में विनीगर, अब इसमें डालेंगे ऑनियन पेटल्स। अब ये जो चीज़ मैंने डाला, ये सबको सबके अंदर, ये कैप्सिकम बेल पेपर जो भी है और जो ऑनियन है उसके अंदर जिंजर गार्लिक सोया सॉस विनीगर का फ्लेवर घुसना चाहिए, लेकिन इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, जस्ट 2 to 3 मिनट्स इसको स्टियर करना है। अब इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, और जो फ्राइड किया हुआ चिकन था वो सब इसके अंदर डाल देंगे। फिर अच्छी तरीके से सब चीज़ को मिक्स करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो गल जाएगा और क्रंचीनेस चला जाएगा। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, अच्छे वाला ग्रीन चिली सॉस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बाज़ार में बहुत सारा घटिया क्वालिटी का ग्रीन चिली सॉस मिलता है, तो अच्छे क्वालिटी का ग्रीन चिली सॉस यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके फ्लेवर आएगा असली वाला। अब लीजिए, तैयार हो गया ड्रैगन चिकन। थोड़ा सा इसको और मिक्स करेंगे, उसके बाद प्लेटिंग करते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ऊपर से धनिए का गार्निश किया है, ड्रैगन चिकन रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।